फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, ट्रेलर से और यहाँ तक कि फिल्म फेस्टिवल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. मूवी पहले ही इतना बर्स में है, सो कैसा फील कर रहे हैं बिफोर इट रिलीज? मनु, इट्स अ डेब्यू फिल्म, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत बुरे जो बनने के लिए लग रही हूँ सर. बहुत 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 अच्छा लग रहा है. सरील फीलिंग है. इतने सालों बाद, मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद पिक्चर आ रही है, तो बहुत एक्साइटमेंट है. एंड क्या कहूँ मैं यार, तेरा बस मुझे जीना देना, जीने ना दे. यार बोलना ही था यार. I'm very happy, I'm very excited. 3 साल हो गए हैं हम लोग एसोसिएटेड इस फिल्म से, एंड फाइनली जब हम 21 मार्च देखते हैं पोस्टर पे, हमें लगता है वी मेड इट. एंड बस जितना हम एक्साइटेड हैं आपको दिखाने के लिए, आई होप आपको भी इतना मजा आए एंड आपको भी लगे कि वाह यार क्या मूवी देखी है. ओके, अभिमन्यु सर, ये आपकी डेब्यू मूवी है और राधिका मैम आपकी भी इनिशियली यही थी डेब्यू फिल्म. हाँ, इंडस्ट्री. आप मुझे मेरे ट्रेलर की वजह से जानते हो. उसके पहले आप जानते नहीं थे अभिमन्यु कौन है, क्या है, कहाँ से है. So, इससे रिलेटेड आई वुड वॉन्ट टू टेल यू गाइज अ स्टोरी कि व्हेन आई साइन द फिल्म, तब तक मुझे आइडिया नहीं था हु अभिमन्यु. आई हैड मेट हिम एंड मुझे तब भी आइडिया नहीं था. मैं से क्वेश्चंस पूछ रही थी कि हाँ क्या किया लाइफ में तुमने, नहीं ऐसे ऐसे करके. एंड आई रिमेंबर वासन सर जस्ट लाफिंग एंड जस्ट यू नो यू जस्ट लुकिंग एट अस एंड लाफिंग. फिर उसके बाद मैंने साइन वाइन कर दिया. मेरे को बोला कि नया लड़का है. मैंने बोला हाँ नया लड़का है, ठीक है. 3 महीने बाद इसके घर पर रीडिंग होती है. मैं एंटर करते हैं, मैंने हाँ अमीर लड़का है, नया लड़का है. तो मैं गई एंड मैं बैठी, रीडिंग खत्म हो गई है, मैं घर पे बैठी हूँ, मैं इसके पापा से मिल चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है. मैं बाहर आके जूते पहन रही हूँ और मैं सामने देखती हूँ फोटोज लगे हुए हैं, फैमिली फोटोज. मैंने बोला अभिमन्यु ये तो भाग्यश्री मैम है. मैंने बोला इसने कोई फैन मोमेंट वाली पिक्चर लगा ली होगी कि आपको पता लग गया होगा कि कितना बड़ा स्टार किड है अभिमन्यु एंड कितना एटीट्यूड है अभिमन्यु में. कैसे देख के पता लग जाता है ये तो स्टार किड है. मतलब आई यूज्ड टू बुली हिम और ये बेचारा कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं हूँ, नया हूँ, ऑडिशन दे के आया हूँ. सो प्लीज डोंट कॉल हिम अ स्टार किड. ये मूवी एक एक्शन योनर भी है और आपने खुद ने दोनों ने परफॉर्म किया है विदाउट बॉडी डबल. सो कितना डिफिकल्ट था और वसन सर की तरफ से क्या थी टैलेंट्स? बहुत बहुत डिफिकल्ट था. हम लोग दोनों ने स्क्रैच से शुरू किया और दिन रात मेहनत की 9 महीने के लिए. कभी कभी 6-8 घंटे दिन में ट्रेनिंग करते थे मार्शल आर्ट्स का, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को. और मतलब बहुत कुछ सीखा. देखो मैं तो आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग मार्शल आर्ट्स मूवीज, जैकी चैन एंड ब्रूस ली एंड सैमो हंग और वो सब. पर फॉर राधिका टू यू नो शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर शी लव्स रोमांटिक फिल्म्स एंड देन टू टर्न इनटू एंड एक्चुअली परफॉर्म दी स्टंट्स एंड गिव सो मच एफर्ट. मुझे तो मजा आ रहा था कि मैं तो बचपन से देखा जा रहा हूँ, अब तो करने का मौका मिल रहा है. पर इनने यू नो शी इज गिव इट दैट मच पैशन टुवर्ड्स दैट दैट वाज रियली ओवरवेलमिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट राधिका इतना हार्ड कोर ट्रेन करती थी कि मुझे लगता था यार मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा, यार मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा, यू नो. तो शी हर पैशन पुश्ड मी टू परफॉर्म बेटर एंड एंड इट वॉज वंडरफुल बिकॉज वासन सर मेड एनीथिंग वी वुड डू ही वुड लाइक you know he would make us feel so nice ki tumne yaar you have killed it. to confidence aata tha ek matlab ha yaar aaj to kuch kiya hai sir bolte na kal kuch karte hain okay Radhika han ji aap kaise hain ji? of course jaisa Abhimanyu ne bataya mujhe kuch jaise Abhimanyu ko used to look forward to it ki aaj main udunga main is udan mein kaise udungi
of course it was very very tough for me and because मुझे kick करने एक kick नहीं आती थी मुझको कैसे technique से करते क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था और मेरे trainers बस ऐसे उनको बोलते हैं इसको ना बना दो martial artist बना दो और trainers देख रहे हैं सर को कि कैसे मैंने बोला सर मैं कर लूँगी आप मुझे बस सिखा दो and of course मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी and हम सब ने मेहनत की है I remember Abhimanyu helping me every day मतलब ट्रेनिंग के बाद इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी शुड स्टे बैक एंड करेक्ट मी कि अगर मुझे जो ट्रेनर है उससे एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्ली ही कैन शो मी एंड यू नो हेल्प मी आउट तो ऐसा कोई नहीं करता कि अपनी ट्रेनिंग के बाद जी दूसरों की ट्रेनिंग के लिए रुको सब अपनी ट्रेनिंग करके आगे निकलेंगे तुम दो घंटे से ट्रेन कर रहे हो बट यू शुड स्टे बैक एंड यू टू करेक्ट मी एंड यू टू हेल्प मी सो मच सो दैट रियली हेल्प मी थैंक यू एंड watching a film every day trying to watch a film in one go every day but of course after 4-5 months I fell in love with it but that's one reason why you should watch this film because everyone put in so much effort the whole team you know all the core team members had believed in the film so much and everyone was pushing them each other to do better matlab भाई तुम भी चमको सब साथ में चमकेंगे यू नो दैट वाज द एटीट्यूड ऑन सेट एंड ये रहा हमारा एक सितारा या एंड इट्स जस्ट द सो मच पॉजिटिविटी ऑन सेट एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग एंड आई होप दैट एक्सुड्स इन द फिल्म या सो या ओके अभिमन्यु सर आपके लिए कितना डिफिकल्ट था कि हमने ट्रेलर में देखा कि वाटर पैक लेके घूम रहे पूरे टाइम तक सो कितना डिफिकल्ट था वो एक ही सब शॉट में लेके पानी पीते रहना चाहिए फर्स्ट पानी तो पीते रहना चाहिए हां मतलब डिहाइड्रेशन हो जाते हैं मुझे तो पीते ही रहना चाहिए नहीं इट बिकेम पार्ट ऑफ सूर्या मैं 6 महीने के लिए सूर्या था तो इट केम वेरी नेचुरली टू वेयर द कॉर्डरॉय पैंट्स एंड लेदर शूज ऑफिस वाले एंड ओवरसाइज्ड शर्ट एंड वन वाटर बैकपैक और यार मैंने कभी सोचा नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि ठीक है अगर आज दे दो मुझे वाटर बैकपैक तो मैं बोलूँगा यार मैं इधर रख दो यार बट तभी वो जो जोन में होता है ना तो इट जस्ट इट सीम्स इजी एंड एवरीथिंग वाज सो कंफर्टेबल ऑन सेट बिकॉज लाइक आई सेड इतनी पॉजिटिविटी थी सेट पे कि एवरीवन इन देयर डीपेस्ट पेन्स वाज आल्सो स्माइलिंग यू नो थ्रू ऑल द इंजरीज एंड थ्रू एवरीथिंग थ्रू ऑल द स्ट्रेस एंड लेट नाइट्स एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ शूट तो एवरीवन वाज सो हैप्पी दैट यार हंसते खेलते निकल गया समझ में ही नहीं आया ओके लास्टली दो सवाल जैसे कि आपका टाइटल है मर्द को दर्द नहीं होता और सुपर हीरोज को भी दर्द नहीं होता सो कैन वी से क्या ये सेकंड नहीं 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 सॉरी सॉरी सर इट्स नॉट अ सुपर हीरो फिल्म ये सूर्या जो है वो मैं हूँ वो राधिका है वो आप भी हो सकते हो ये हर बच्चे की कहानी है जो अपने ड्रीम्स में बिलीव करता है ये सुपर हीरो नहीं है हम बचपन से यार अक्षय सर के फैन हैं अक्षय सर के फैन हैं यू नो तो हम तो केसरी जाएंगे ठीक है हाँ पर आप लोग हमारे भी जाएगा प्लीज यार हमारे भी जाएगा मतलब हाँ बट थिंग इज कि चार दिन की छुट्टी है देखो सीधी सी बात है ठीक है प्लस हफ्ता है उसके प्लस हफ्ता है ठीक है चार दिन की छुट्टी है आप दोनों मूवी देख लो ना केसरी भी देखो हमारी दो बार देख लो हमारी दो बार बस देख लेना उनकी एक बार देख लो ठीक है हम भी देखने हाँ, हम लोग भी देखेंगे हम भी देखने मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहूंगा मैं भी तेरे साथ ही रहूंगा साथ में जाएंगे साथ में जाएंगे हम लोग बट आप लोग भी जाइएगा बहुत लंबी छुट्टी है यार वीकेंड है दोनों मूवीज देख लो वो थोड़ी उसका सब्जेक्ट अलग है ये सब्जेक्ट अलग है अगर आपको फ्रेंड्स के साथ चिल करना है थोड़ी लाइट हार्टेड मूवी कोई देखनी है एंटरटेन होना है अगर आपको देसी डेडपूल देखनी है तो प्लीज मर्द को दर्द नहीं होता देखने आएगा 21 मार्च को वाओ लाइट्स ऑफ ओके बैक अप बैक देखो मेरा वो डायलॉग अगर नहीं आया ना तो तुम आया ना देसी डेडपूल कट हुआ है वही मेरे हां जी मेरी पिक्चर देखने आएंगे कौन आएगा सब आएंगे सब आएंगे
पक्का? I hope so. पक्का? आनी चाहिए यार. और पानी? पानी तो पीते रहना चाहिए. वरना? Dehydration हो जाएगा. और dehydration हुआ तो? 21 मार्च. Superb, superb. Thank you, thank you. It's a pleasure, Uncle. Best of performance. Thank you. Thank you.